चिदंबरम पर चार्जशीट की तैयारी में सीबीआई, 100 घंटे में पूछे गए 450 सवाल। पीएम मोदी पर फिल्म बनाएंगे रवि किशन, कहा मल्टीप्लेक्स में अनिवार्य हो भोजपुरी फिल्में। ऑस्ट्रेलिया में तरनतारन के युवक की हत्या, परिवार ने दोस्त पर लगाया आरोप। इसरो ने सुनाई खुशखबरी, चांद पर सलामत है विक्रम लैंडर, संपर्क की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी से नहीं होगा कांग्रेस का गठबंधन, ओबीसी बना सकते हैं नया समीकरण। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है। चार्जशीट इस महीने के तीसरे हफ्ते में दाखिल किया जा सकता है। अगर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है तो चिदंबरम को जमानत मिलने की संभावना कम हो जाएगी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक हिरासत के दौरान चिदंबरम में 100 घंटे में 450 सवाल पूछे गए थे, जो ज्यादातर एफआईपीबी क्लियरेंस और कार्ति चिदंबरम से संबंधित थे। इस दौरान चिदंबरम का सामना सिंधुश्री खुल्लर और प्रबोध सक्सेना समेत 5 व्यक्तियों से कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस केस में सीबीआई 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लाने की तैयारी कर रही है, जिनमें कुछ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई की 15 दिनों की कस्टडी के दौरान चिदंबरम ने 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, जिसमें एफआईपीबी मंजूरी से लेकर कार्ती की ओर से अन्य आरोपियों को किए गए ईमेल्स को बारे में सवाल पूछे गए थे। जांच में बरामद हुए दस्तावेजों और ईमेल से जाहिर होता है कि पैसे का भुगतान एफआईपीबी की मंजूरी के लिए दिया गया। उस समय पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, उन पर एफआईपीबी की मंजूरी देने के लिए और अपने पद के दुरुपयोग का आरोप है। फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन पीएम नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनाएंगे। उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि भोजपुरी मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन पर भोजपुरी फिल्में चलाए जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, बिहार सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स में कंपलसरी है एक मराठी फिल्म दिखाना, वैसे ही बिहार में भोजपुरी के लिए कंपलसरी कर दे एक शो मल्टीप्लेक्स में लगे भोजपुरी फिल्मों का। रवि किशन ने पटना के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विवेकानंद पर भोजपुरी में फिल्म बनाने का ऐलान रवि किशन पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मेरा मन है पीएम मोदी पर भोजपुरी फिल्म बनाने का। उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर में फिल्म बनाएंगे तो नाचने भागने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ रियलिस्टिक फिल्म बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय युवक की हत्या कर दी गई, मृतक पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। हत्या का आरोप उसके ही दोस्त पर लगा है। तरनतारन के गांव धूदा के रहने वाले परमजीत सिंह की उनके दोस्त से मामूली टकरार हुई थी। इस बीच दोस्त ने छुरा घोंपकर परमजीत की हत्या कर दी। आरोपी का नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है। मृतक परमजीत के पिता हरजिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को 5 साल पहले पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न भेजा था। पढ़ाई के साथ परमजीत नौकरी भी करता था, वो दोस्त के साथ रह रहा था। उन्होंने कहा कि इसके दोस्त ने छुरा घोप कर उसकी हत्या कर दी। परिवार वालों ने परमजीत का शव भारत लाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इसरो के मुताबिक विक्रम सुरक्षित है और कोई भी टूट फूट नहीं हुई है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि हम लैंडर के साथ संचार को फिर से स्थापित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़ी है। शनिवार को जब चंद्रमा की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर विक्रम था, उसी समय इसरो से संपर्क टूट गया था। रविवार को इसरो ने चांद की सतह पर लैंडर विक्रम के लोकेशन का फिर से पता लगा लिया। खुद इसरो के चेयरमैन के सिवन ने इसकी पुष्टि की। इसरो की माने तो ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज भी क्लिक की।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने में करीब 2 महीने का वक्त बाकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी शिवसेना के सामने इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन नए समीकरण के साथ मैदान में उतर सकता है। अखिल भारतीय मुस्लिम और दलित संघ और प्रकाश अंबेडकर के बीच गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश में लग गई है। लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी और AIMIM के गठबंधन से कांग्रेस NCP की काफी नुकसान हुआ था। गठबंधन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की सीट जीतकर ये बता दिया कि पार्टी राज में अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। हालांकि कांग्रेस NCP के लिए राहत की खबर ओबीसी अंबेडकर का गठबंधन टूटना है।